अवैध संवाद 24/96 कार्तिक पूनम रविवार तारीख 27/11/66 ना दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी नु श्री समयसार शास्त्र में जीव अधि अधिकानी गाथा 45/46 पर सुवर्णपुरी में प्रवचन समयसार शास्त्र ना सरल प्रवचन नंबर 113 नमो नोये सौरियंतानम नमो नोये सौसिदानम नमो नुवि सौरायण नमो नुवि सौजयनम नमो नुवि सौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामदम औषधम से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमः सुमति स्वाहाय स्वानुभूत्या चास्ते चित स्वाहाय भवाय समय सार जीव जीव दिखा 45 गाथा है। क्या कहते हैं 45 जो क्या कहते हैं जीव जीव अधिकार है 45 गाथा 4 ने 5 पिता है ना। फिर लेते हैं टीका पहले से टीका है ना टीका 45 की टीका क्या कहते हैं जीव किसको कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव आत्मा किसको कहते हैं कैसा आत्मा जानने से उसको सम्यक दर्शन होता वो बात यहाँ जीव अधिकार की चलती टीका दर्शनादि समस्त भावों को जी राग द्वेष पुण्य पाप को एकत्व बुद्धि मानने वाला मिथ्या भाव ये समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो 8 प्रकार का ज्ञानावरण आदि कर्म है वह सभी पुद्गलमय है। 8वां तो ये बताना है कि कर्म का फल है वो बताना है पर आई तो उत्पत्ति से लिया बात भाई समझ में आया गुना खाई बात करी 8वां है कि आत्मा मैं जो राग द्वेष पुण्य पाप आदि भाव जो उत्पन्न होते हैं ये कर्म का निमित्त से उत्पन्न होते हैं तो यहाँ तो कहा कि भावों के उत्पन्न करने वाला 8 प्रकार का ज्ञानावरण आदि कर्म है कर्म जो उत्पन्न किया क्या जरी सूक्ष्म बात है आत्मा चैतन प्रभु अनंत आनंद गुण आदि से भरपूर भरा है ऐसा आत्मा में जो पुण्य पाप आदि का अधोषाय है ना अधोषाय अधोषाय नाम पुण्य पाप से मैं एक हूँ ऐसा अधोषाय और आदि में पुण्य पाप भाव आदि सब ये समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो 8 प्रकार का ज्ञानावरण आदि कर्म है ये सभी पुद्गल में है। भगवान परमेश्वर तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ परमात्माएं 8 कर्म ने पुद्गल कहा है तो पुद्गल से उत्पन्न होने वाला ये पुण्य पाप भाव यथार्थ में आत्मा है नहीं एम कहते हैं व्यवहार से आत्मा है व्यवहार से है ऐसा कहेगा 47 में पर्याय में व्यवहार से है वस्तु का स्वभाव नहीं है नहीं समझ में आया सूक्ष्म बात है उसमें आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है सीध समान सदा पद मेरो ऐसा जो चैतन्य स्वभाव अपना है उसमें जो पुण्य पाप राज द्वेष शुभ अशुभ राज उत्पन्न होता है ये 8 प्रकार का कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म से उत्पन्न होते का कारण अपना स्वभाव नहीं हो विभाव है
अने विभाव विकार है अपना स्वभाव नहीं, वो बताने को कहते हैं कि तो कर्म से उत्पन्न हुआ है तो अपनी पर्याय में अपने से, पर अपना स्वभाव शुद्ध चैतन है नहीं, और शुद्ध चैतन स्वभाव में से उत्पन्न होता नहीं, वो कारण छुड़ाने को और जीव अधिकार में वो पुण्य पाप का भाव चैतन्य भाव नहीं, ये पुद्गल भाव है, पुद्गल से अजीव से उत्पन्न हुआ, तेरी दृष्टि उसने छोड़ दे। तुम आत्मा हो, ज्ञानानंद हो, ऐसी तुम दृष्टि करो, ये दृष्टि कराने को पुण्य पाप का भाव को कर्म जन्य उत्पन्न होने से उद्गव है ऐसा कहने में आया, समझ में आया। सत्यवाद गुरु ने ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। देखो शन केवली जिणिंग भनिया, भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है, आत्मा में शुद्ध चैतन्य आनंद ज्ञान आनंद से भरा आत्मा दिखा है, उसमें जो वर्तमान दशा में एक क्षण की दशा में स्वभाव का लक्ष्य बिना कर्म का लक्ष्य उत्पन्न होने वाला पुण्य ने पाप शुभ शुभ राग सब पुद्गल कर्म से उत्पन्न हुआ है, माचे उसको भगवान पुद्गल कहते हैं। समझ में आया, जीव चैतन्य जीव का अधिकार है, तो ये जीव में विकार है, वो जीव का स्वरूप नहीं, स्वरूप हो तो जुदा कभी पड़े नहीं, जुदा न पड़े तो खुद ही कभी उसकी मुक्ति होती नहीं, वो कारण है परमेश्वर सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव है, सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आया कि भगवान तेरी दशा में जो विकार उत्पन्न होता है पुण्य ने पाप शुभ ने अशुभ राग ये सब उत्पन्न करने वाला कर्म है, तेरा आत्मा का स्वभाव नहीं, समझ में आया। ऐसी दृष्टि चैतन्य ज्ञानानंद मूर्ति हूँ ऐसा अनुभव करो तो तुमको सम्यक दर्शन होगा, विकारी परिणाम में हम ऐसा जो अनुभव करो तो आत्मा का अभाव होकर मिथ्या दृष्टिपना उत्पन्न होता है। आया बात ने एटले लोको ने एवं पड़े थे पची कैसे व्यवहार है, व्यवहार धक्का दिखाड़ो जो भगवान के पर्याय में विकार व्यवहार से है, दिखायो अभूतार्थ हुआ सता परमार्थ न हुआ तथा पर्याय में विकार है वो दिखाया है, जानने लायक है आदरने लायक है नहीं, समझ में आया। भगवान आत्मा ज्ञानानंद से भरा अतीन्द्रिय आनंद से भरा आत्मा पूरा परमेश्वर है, ये परमेश्वर अपना स्वभाव में से पुण्य पाप का राज द्वेष का तीव्र मंद आदि विकार का उत्पन्न होना स्वभाव से होता नहीं, वो कारण पर्याय बुद्धि में उत्पन्न होता है, तो पुद्गल का कारण से उत्पन्न हुआ तो उसको पुद्गल कहने में आया, समझ में आया। विपाक की मर्यादा को प्राप्त क्या कहते हैं, विपाक नाम आठ कर्म जो माटी धूड़ है जड़ है अजीव है, भगवान आत्मा तो रूप अरूपी चैतन्य है, ये आठ कर्म जो माटी धूड़ है गिणी उसका विपाक उसका पाप होते हैं, विपाक की मर्यादा उसमें हद थी, दूसरा समझते नहीं विपाक की हद नहीं पहुंचे, विपाक की मर्यादा को प्राप्त हद इतने विपाक हुआ कर्म का आठ कर्मों का पाप हुआ, उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है वह
शांति से आत्मवात ऐसी एक अनंत कालना है, उसने आत्मा क्या चीज उसने जानी नहीं। साक्षात चैतन्य प्रभु सिद्ध स्वरूप आत्मा है, पर उसकी दृष्टि नहीं हुई तो कराते हैं कि भगवान तेरी पर्याय में अवस्था में उन्होंने पाप शुभ शुभ राग है, वो खरेखर तो कर्म का पाक है। हो सारा आत्मा का आनंद में से वो रविकार का पाक कहाँ से आते हैं? समझ में आया? जीवन से अवस्तु पाची कैसे चेतन भैया जो व्यवहार दिखा रहे नहीं, पुण्य पाप है ही नहीं पर्याय में, अने उसको जीव की पर्याय नहीं है ऐसा कहो तो दोष आवे, तो एकांत हो जाए। पर उसका स्वभाव में नहीं वो कारण से उसको व्यवहार है, पर ऐसा कहने में आया। समझ में आया? भगवान आत्मा विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फल रूप से कहा जाता है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन आनंद का पाक करने वाला आत्मा है, उसमें से तो आत्मा की दृष्टि होने से, आत्मा का ज्ञान होने से, तो आत्मा में से अतीन्द्रिय आनंद का पाक होते हैं, ऐसा आत्मा है। समझाई से कराएं भाई, अरे जम्मू भाई के कैसे प्रभु तू आत्मा है ना भाई, भगवान तो आत्मा है, नो आत्मा में कोई दुख की दशा भरी है? उनका भंडार तो नहीं है ये दुख, जो पुण्य पाप का भाव है वो दुख है, ये दुख क्या तेरी खान में पड़ा है अंदर में कि खानी में से निकले? तेरी खान में तो भगवान अतीन्द्रिय आनंद ने ज्ञान पड़ा है, उसकी तुम दृष्टि करो और उसका अनुभव करो तो उसके पास में तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदना आता है। उसका नाम आत्मा जाना, उसका नाम आत्मा की प्रति सम्यक दर्शन। वाह, कहते हैं भगवान आत्मा तेरा अनाकुल आनंद में वो पुण्य पाप का भाव समाविष्ट नहीं होता। बराबर, समझ में आया? अरुण भाई बहुत जीण भैया, ओहो कहते कि ये अनाकुलता लक्षण सुख नाम का आत्म स्वभाव से विलक्षण, ये कर्म स्व है प्रभु, तेरा आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप को भगवान ने परमार्थ आत्मा कहा है, परमार्थ है, भूतार्थ नहीं थे, सच नहीं थे, तो भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान ने आनंद उसको भगवान ने आत्मा कहा, तो वो आत्मा की अंतर्दृष्टि करने से तेरे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और शांति का वेदन होगा, वो धर्म है। और ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं जानने से उसकी दशा में पुण्य ने पाप राज ने द्वेष मंद ने तीव्र सुख दुख की कल्पना आदि राजवेश भाव, भगवान कहते हैं कि तो कर्म का पाक है हो, इस चैतन्य का पाक नहीं है, श्री पर्याय में अवस्था में, पर ये अवस्था चैतन का पाक में से नहीं आई है। समझाई से आत्मा इतनी क्या चीज उसकी पत्ता नहीं उठो, ये जाने बिना कभी धर्म होता नहीं। तो कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर के सर्वज्ञ का वचन ऐसा है, परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव इंद्रोनी समोसरण मा उपस्थिति, 64 इंद्र 100 इंद्र ने उपस्थिति मा भगवान की वाणी में ऐसा आया कि भाई प्रभु तू तो आत्मा अनाकुल आनंद स्वरूप आत्मा तू है, अने जो तेरी दशा में
पुण्य पाप का राजवेश का हरक शोक का कल्पना जो उत्पन्न होती है वो आत्मा का स्वभाव का पाप नहीं, वो कर्म का पाप है। ऐसा कहकर छोड़ाने को, जीव की दृष्टि कराने को ऐसा कहा। समझ में आया क्या कहते हैं देखो ने? कि विपाक को मर्यादा की प्राप्त कर्म के फल रूप से कहा जाता है। कि कर्म का पाप की हज आ गई पाप पाप की, तो उसका फल जैम जुवार बाजरी होती है, जुवार बाजरी कहते हैं, जुवार बाजरी भागते हैं तो पाक आते हैं नूंडा, तो उसकी पाक का काल आ गया। पाक का काल ये नूंडा है, नूंडा होता है, क्या कहते हैं दाना दाना, ओ ये गट्टा होगा नूंडा यहाँ कहते हैं, पाकता है ना दाना, तो उसका पाक वो है। समझ में आया? एम भगवान आत्मा का पाक तो अतीन्द्रिय आनंद है, पर आप पाक पुण्य पाप का उपद्रव का पाक है, ऐसा यहाँ कहते हैं। समझ में आया? बहुत बापू, एक है सारी चीज ने कोई भी सांभली नहीं, हाँ क्या आत्मा है। भगवान ने तत्वार श्रद्धानंद सम्यक दर्शन किया, तत्वार श्रद्धानंद सम्यक दर्शन, तो उसमें आत्मा क्या, शरीर वाणी तो अजीव, कर्म आत्मा की धूल अजीव, पुण्य पाप का भाव तो आश्रय, तो आश्रय तत्व है, और आत्मा तो ज्ञान चिदानंद आत्म तत्व है। तो कहते हैं कि आत्म तत्व का पाप आश्रय नहीं, तत्व दूसरा है। भगवान आत्मा का तो अनाकुल आनंद तत्व है, ऐसी तेरी दृष्टि करने से तेरे अंदर में आनंद का अनुभव होगा, उसका नाम धर्म है। और ऐसा आनंद का अनुभव न करके पर्याय में कर्म का पाप से परलक्ष से उत्पन्न हुआ ऐसा शुभ शुभ राज मेरा मानकर जो त्या रहेगा, तो तेरे मिथ्या दृष्टि में तेरे दुख का आकुलता का अनुभव होगा। समझ में आया? वो कंजू है, अरे वाह भाई, कैसे कि अनाकुलता लक्षण जी सुख नाम का आत्मा नो स्वभाव, भगवान आत्मा आनंद नी शिला है, तो अतीन्द्रिय आनंद नी शिला, जैन बर्फ की शिला होती है ना, बर्फ की चार पांच मन में बर्फ नहीं शिला होती है, ऐसा भगवान आत्मा शरीर से रचकड़ा मांस हाड़का से अंतर भिन्न अरूपी आनंद की शिला, अतीन्द्रिय आनंद की शिला है। समझ में आया? अनाकुल लक्षण सुख नाम का स्वभाव आत्मा का है, एम कहते हैं। ऐसा उससे विलक्षण भगवान आत्मा जिन बर्फ बर्फ की शिला, ठंडी 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 सारे बाजू ठंडी, ऐसे भगवान आत्मा अनाकुल आनंद की शिला है, अतीन्द्रिय आनंद। देखो अनाकुल लक्षण सुख नाम का आत्म स्वभाव, ये आत्मा का स्वभाव है, आप पुण्य पाप का भाव ये अनाकुलता लक्षण से विलक्षण है। समझ में आते भैया? सूक्ष्म बात है, वितराग परमात्मा की बात सर्व दुनिया से तद्दन निरावी है, कोई सर्वज्ञ शिवाय आप मार्ग दूसरे में होता नहीं। समझ में आया? परमेश्वर त्रिकाल एक समय में त्रण काल जेने जाया, एवा भगवान परमात्मा परमेश्वर नी वाणी में ऐसा आया प्रभु, एम कहते आत्मा को भी, तो भगवान तेरा स्वभाव तो अनाकुल आनंद है,
तेरा स्वभाव तो अंतर में हर का तो जड़ है, कर्म जड़ है, वाणी जड़ है, कर्म जड़ है। और पुण्य पाप का भाव वो भी खरे खर आत्मा का स्वभाव नहीं, ये अपेक्षा से अचेतन कहा, अचेतन कहो के पुद्गल कहो, पुद्गल इतने परमाणु नहीं पर उसमें चैतन्यता नहीं, शुभ शुभ राग में चेतनता नहीं, भगवान आत्मा चैतन्य आनंद का रस है, ऐसा जो आत्मा वस्तु उससे पुण्य पाप का भाव उससे विलक्षण है, विपरीत लक्षण है, उल्टा लक्षण है, विपरीत भाव है। समझ में आया? आत्मा आतो हर का जड़ अजीब तो तुम खुद का माटी है, वाणी भी माटी, धूल उड़ती है, ये क्या आत्मा है? तो रजकण है अंदर, कर्म ये आठ है वो भी रजकण जड़ है। अरे भगवान आत्मा जो अंदर है ये तो अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है, अनाकुल लक्षण सुख नाम का आत्म स्वभाव, उसका नाम आत्मा कहते हैं। समझ में आया? ऐसा आत्मा की दृष्टि करने से आत्मा जाना जाता, आत्मा माना जाता है, आत्मा का अनुभव होता तो उसको सम्यक दर्शन में आत्मा का आनंद आता, उसका नाम धर्म है। अनाकुल सुख नाम का आत्म स्वभाव, उससे वो भी कर्म का पाप की हद आकर जो भाव होगा, पुण्य पाप शुभ शुभ ने हरक शोक का विकल्प, ये आत्म स्वभाव से विलक्षण है, विलक्षण है, विपरीत लक्षण है। भगवान आत्मा अनाकुल आनंद है तो पुण्य पाप का भाव से विपरीत लक्षण है। बराबर है? हाँ, ख्याल ही आया नहीं कभी मैं क्या हूं अने विपरीत का क्या है। जी आप बद्री प्रभु तारा ना तो अतीन्द्रिय अनाकुल आनंद है ने, उसको हम तो आत्मा कहते हैं, परमेश्वर तो कहते परमेश्वर एम कहते हैं, उसका अनाकुल आनंद है ने, उसका नाम आत्मा हम तो कहते हैं। अने अनाकुल आनंद जो आत्मा है उससे विलक्षण पुण्य पाप का भाव तो भगवान विपरीत लक्षण वाला है, आनंद है तो दुख है, देखो विलक्षण है इसलिए दुख है, है उसमें देखो अक्षर, देखो उसमें अक्षर पाठ में चौपड़ा मिलाते है कि नहीं घर का, हाँ तो भगवान का चौपड़ा है। समझ में आया है ना? ये अनाकुल लक्षण सुख नाम का आत्म स्वभाव उससे विलक्षण है इसलिए दुख है। कौन माथे का हो कि अद्वशाय आदि राग द्वेष का परिणाम ये सब दुख रूप है। आप पुण्य पाप का भाव दुख रूप है, भगवान आत्मा का स्वभाव अनाकुल आनंद रूप है, अनाकुल आनंद से उसकी विपरीत दशा है। मानस ने बे तो क्या क्या लई जाए थे। भगवान से तारी बात कभी शाम सुनी नहीं, नहीं। समझ में आया? साथ में हो तुम, सब सागर वाले थे एक ही लाए ठीक। अच्छा मेरा समझ में आया? शांति से समझने की चीज है भैया, अनंत काल से उसमें अपना आत्मा कैसा है उसने कभी पता लिया नहीं, कभी लिया नहीं, किया अशुभ भाव किया कोई शुभ भाव किया तो उसने फल रूप स्वर्ग नर्क मिला,
उसने आत्मा की पत्ता आया। पाठिक खुदी तो ये कहते हैं कि शरीर वाणी प्रतिकूलता ये दुख नहीं नहीं एम कहते हैं। और ये न्याय तो क्या कहते हैं कि आत्मा अपना स्वरूप तो अनाकु लक्षण सुख नाम का वस्तु है उसका नाम आत्मा कहते हैं और उससे विलक्षण इस शुभ शुभ राग जो हुआ वो दुख है। प्रतिकूल चीज और दुख नहीं है। एकला कर्म ये दुख नहीं कर्म का पाप होकर उसमें लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ भाव दुख है। समझ में आया शरा मारे गला कापे वो दुख नहीं तो जड़ की अवस्था है। जड़ की अवस्था में दुख न हो जड़ की अवस्था में दुख न हो जड़ की अवस्था में दुख न हो जड़ की अवस्था से दुख न हो। दुख तो भगवान इसको कहते हैं। भगवान आत्मा अनाकु आनंद नाम का स्वभाव उससे विलक्षण कर्म का पाप में अंदर यथाकार राग ने द्वेष ने पुण्य पाप में हो गया भाव उसको भगवान दुख कहते हैं। आत्मा को आनंद कहते हैं। बेआम वैसे हैं अरुण भाई बात तो भारी भाई कहते भाई सारा आनंद नहीं बातों सर्वज्ञ वाणी माँ पूरी नहीं आई है तेरी ऐसी चीज पर तेरे पत्ता नहीं सम्यक दर्शन बिना और चीज का पत्ता लगता। समझ में आया अने वो ही सम्यक दर्शन ही प्रथम धर्म है। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा उसको तो अनाकुण नाम का सुख नाम का स्वभाव है ने तो स्वभाववान आनंद रूपी है आत्मा बराबर उसको आत्मा कहते हैं। कि आत्मा से अपना आनंद का लक्षण करने से अपना अनाकुण सुख रूप की सत्ता का स्वीकार नहीं करने से पर ऊपर लग जाने से कर्म का पाक रूप शुभ अशुभ राग पुण्य पाप का हुआ वो आत्मा का आनंद से विलक्षण विपरीत लक्षण विपरीत लक्षण वाला आत्मा अनाकुल आनंद स्वरूप ऐसा सम्यक दर्शन में देह विषय में आना चाहिए ऐसे न करके अनाकुल आनंद से उल्टा शुभ शुभ राग ने हरक शोक की कल्पना वो तेरे लक्ष्य में आया तो वो तो आत्मा का लक्षण से विलक्षण दुख रूप है। समझ में आया आनंद शरीर में नहीं कर्म में नहीं स्त्री कुटुंब में नहीं पैसा में नहीं आप पुण्य पाप का भाव में नहीं बराबर आनंद आत्मा में है। अने दुख इस शरीर में नहीं कर्म में नहीं प्रतिकूल संयोग में नहीं दुख ये आत्मा का अनाकुल आनंद की दृष्टि न करने से पर्याय में कर्म का पाप ऊपर लक्ष्य करने से जो पुण्य पाप का भाव हुआ उसको भगवान दुख कहते हैं। बराबर नहीं अरे प्रभु ते तारा गुण ना ग्राम नो समूह ते कोई भी जोयो मैं कभी देखा नहीं गुण ग्राम एटले ग्राम करो एम नहीं गुण नो ग्राम एटले समूह बनी जी वो ग्राम कहते हैं
इंद्रिग्राम गुण ग्राम करवा ये वाणी नहीं, गुण ग्राम भगवान आत्मा में गुण का ग्राम समूह पड़ा है। अनंत अनंत गुण भगवान आत्मा में है, उसमें यह आनंद गुण से भाग लिया है। जगत को एकदम ठीक समझ में आवे वो कारण से है भाई, प्रभु तो अनाथ तो आनंद स्वभाव का लक्षण वाला है ने? आ तेरी दशा ने कर्म का लक्ष्य से, कर्म का पाक से, तारा चैतन का अनाको का पाक से विपरीत ये शुभ शुभ दया दान व्रत भक्ति का परिणाम अने काम क्रोध का अशुभ परिणाम बे भाव भगवान कहते हैं कि दुख रूप है। नार नाखे मानव ने नहीं तो बे बात करी भगवान के भाई, प्रभु तो अना को आनंद नो रसपंद है ने बापू, तने खबर नहीं भाई, तारा घर में तो अना को परित जीवा सिर भगवान ने आनंद है ये प्रकट है। तेरे अंतर में शक्ति रूपे परमानंद आनंद पड़ा है, उसको हम आत्मा कहते हैं। अने ऐसा अनाकूल आनंद से विपरीत लक्षण वाला कौन ये अदृशा नादि पहले कया था, ये तो दुख है। उत्तराण भाई का पैसा में लक्ष्य होते हैं शुभ रात दान देवा में शुभ रात खाए तो एक दुख है, राखवा ना तृष्णा नो भाव अशुभ ये दुख है एम कहते हैं। बराबर है हाँ। अरे भाई भगवान ने वाणी कहते बापू जगत ने सर्वज्ञ त्रिलोक नाथ परमेश्वर वितराग या इंद्रो मोटा आर्दना प्रोग जेवा समोसरण में बिराजता परमात्मा अत्यारे बिराजे थे सिमंदर परमात्मा महावीर क्षेत्र में वर्तमान बिराजते हैं, महावीर क्षेत्र में बिराजते हैं, जमीन ऊपर हो महावीर क्षेत्र यहाँ है समय बिराजते हैं, इंद्रो त्याग है इंद्रो ना समक्ष में भगवान की वाणी ऐसी निकली ये वाणिया कुनकुंडाचार कहते हैं। ये कुनकुंडाचार महाराज दिगंबर मुनि 2000 वर्ष पहले समर्थ 49 वर्ष में थे, भगवान पास गए थे सिमंदर भगवान पास है कुनकुंडाचार दिगंबर संत वन में दिखते समझ में आया कौन हिल शास्त्र लिखते हैं भगवान पास गए थे साक्षात सर्वग्नि की समोषण सभा में जहाँ के आकर आकाश बनाया समझ में आया। दिगंबर संत मुनि एक मोरपीछी कमंडल आत्मा का आनंद में झूलने वाला अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाला ये भगवान कुनकुंडाचार कहते हैं अरे जीवो ये वाणी सीता अमृतचंद्राचार ये दिगंबर मुनि हुआ 900 वर्ष पहले, कुनकुंडाचार 2000 वर्ष पहले आप 900 वर्ष पहले ए दिगंबर संत आनंद कंद में झूलने वाले इंद्रिय आनंद में कहते हैं अरे भगवान तो एम कहते हैं ने कि भाई अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही आत्मा का लक्षण है, अने उससे विरुद्ध जो पुण्य ने पाप शुभ ने शुभ राग है ये तो विलक्षण है, ये उससे विपरीत लक्षण है, एक तारा तेरा लक्षण से अनाकुल आनंद का लक्षण से उल्टा विपरीत लक्षण वाला तो भगवान अनाकुल आनंद आत्मा तो विपरीत लक्षण वालों दो समझ में आया। ते दुख की दृष्टि छोड़ दे एम कहते हैं और अनाकुल आनंद की दृष्टि कर तो तेरे आनंद आएगा संगत दर्शन होगा नहीं तो होगा नहीं। बराबर है भैया अरे बात सुन भाई ओ शुभ भाव बीच में आता है
पर यहाँ तो भगवान कहते हैं शुभ भाव है अना को आनंद से विपरीत लक्षण वाला दुख है तेरे बैठना बड़ी कठिन है। भगवान की वाणी में आया आज्ञा में रचाया इंद्रो ही सुना गंधरे वाणी शास्त्र में रचा है ओ वाणी कुनकुंदाचार्य महाराज कहते हैं समझ में आया आए। अरे तारी जात थी विलक्षण लक्षण वाली पर्याय दुख रूप ये तेरी कहां से हुई और उसके लक्षण से उसका विश्वास से तेरे सुख कहां से होगा समझ में आया। दूसरी रीति कहिए तो सात तत्व की श्रद्धा में एकला अश्रवा है उसकी श्रद्धा करने से तेरे सुख कहां से होगा आश्रव से बिना आत्मा को आनंद है उसकी श्रद्धा करने से आश्रव दुख रूप ऐसा तेरा भेद ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शनम जीव अजीव आश्रव वंश निद्रा मोक्ष तत्व हो एने भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं तो सम्यक दर्शन में आश्रव परिणाम है उसकी श्रद्धा करना कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ तो बोला आत्मा क्या रहा समझ में आया। समझ में आया कि पुण्य पाप का आश्रव तत्व है कोई मेरा ऐसा तो मान तो दुख रूप है वो आत्मा है उसकी श्रद्धा यथार्थ में हुई क्योंकि दुख है उसको मेरा माना तो यथार्थ श्रद्धा उसकी नहीं हुई। दुख को दुख जब जाने और आंकड़ा आनंद को आनंद जाने तब उसकी श्रद्धा तो मैं आनंदमय हूँ और दुख है भेद ज्ञान हुआ तो उसको जीव ने आश्रव की श्रद्धा यथार्थ हुई। समझ में आया हमारी जिन के बारे में जीव नहीं हो एने कोई भी दरकार लिया अने बाहर में जीवन गाया हरे गाथा जीने भणिया एम आयु जानो जिना जिनेन्द्र भगवान सर्वदेव कहते हैं कैसे भगवान आत्मा अना को आनंद का रसकंद प्रभु उससे वो कर्म का पाक रूप शुभ अशुभ पुण्य पाप का भाव दो ही दुख है विलक्षण है चैतन्य का लक्षण से विलक्षण है दुख है उस दुख में ही आकुरता लक्षण दर्शन आदि भाव समाविष्ट हो जाते हैं इसलिए स्पष्टता करते हैं ये दुख में ही पुण्य पाप शुभ शुभ वृक्षों की कल्पना उसमें हो जाता है उसमें समाप्त होता है उसमें रहते हैं आत्मा का आनंद में नहीं। समझ में आया भगवान आत्मा अनाकुर आनंद में उसका समावेश नहीं होता सुख दुख पुण्य पाप का भाव शुभ शुभ राग का भाव और दुख रूप है यानी दुख रूप भाव दुख में ही आपूर्ता लक्षण दर्शन आदि बात समय दुख में ही आकुलता लक्षण वाला अधोषा है दुख में समावेश होता है आत्मा का आनंद में होता नहीं। बराबर क्या प्रकार है सुनने में कठिन पड़ते जगत को सुने तो कहा एकांत है एकांत है अरे एकांत सुन तो सही सम्यक एकांत वो है समझ में आया व्यवहार से उसको कहेगा जनावेगा पर जनाव का कारण कि राग है वो जीव का नहीं ऐसा बताओ मेरे को राग है वो जीव का नहीं भाई राग है वो जीव का नहीं एक इंद्रिय है जीव का नहीं ऐसे बताने को बात है नहीं कि तेरी चीज को उससे प्राप्त होती ऐसा नहीं बताने के लिए नहीं। समझ में आया
कहते हैं कितनी स्पष्ट बात कहते हैं टीका के पर टीका दिगंबर संत मुनियों ने स्पष्ट कर दिया है तत्व को कि भाई ये दुख जो है ना ये दुख में ही अनाकुल आनंद स्वरूप जी भगवान आत्मा उससे जो दुख विलक्षण है ये दुख में ही अधोषाय का समावेश होता है। उन पाप का भाव का समावेश दुख में होता है। उन पाप का भाव का समावेश आत्मा में आत्मा तो आनंद है तो विलक्षण दुख है। समझ में आया उस दुख में ही भगवान अना को आनंद स्वभाव उससे विपरीत लक्षण जो शुभ शुभ राग पुण्य पाप का भाव वो तो दुख में ही कि दुख में ही आकुलता लक्षण देखो बोलानो आत्मा ना स्वभाव से विलक्षण तर शू लक्षण है जागुरता लक्षण अद्वान आदि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। शुभ ने अशुभ राग तो भगवान आत्मा का अनाकुल आनंद का लक्षण से विलक्षण विपरीत ऐसा आकुलता लक्षण में वो समाविष्ट होता है। भगवान का आनंद का लक्षण में वो आता नहीं, नहीं। એને ખબર નથી ચૈતન્ય ની ખબર એવા હવા અર્થ કરે જો શુભ રાગ જો આત્માનું પણ અહીં ભગવાન તો કે છે કે શુભ રાગ તો તારા આનંદ થી વિલક્ષણ માં દુઃખમાં હમાય છે દુઃખમાં હમાય આત્માના આનંદ ની પ્રાપ્તિ કરાવે શું થાય એ વાત અંતર ની પત્તો લીધો નહી પત્તા લ્યા નહી બહાર છે બહાર છે શાસ્ત્ર ના હતા તો કે સર્વજ્ઞ એમ કે આજ્ઞમ તો એમ કે છે પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ કી દેવ ધની મેં એસા આયા પ્રભુ તેરા લક્ષણ તો અનાકુળ આનંદ હૈ ને ઇસકા સે વિપરીત પુણ્ય શુભ રાગ ભી વિપરીત લક્ષણ હૈ વિપરીત લક્ષણ હૈ દુઃખ હૈ દુઃખ મેં આકુરતા લક્ષણ વાળા દ્વષાય આદિ દુઃખ મેં સમાવેશ હોતા હૈ આત્મા મેં નહીં વિતરાગી વિતરાગી વાણી વિતરાગી સંતો ના કથનો બરાબર સમજાય છે કાંઈ એ વ્રત અવ્રત ના બે પ્રકાર ના વિકલ્પો આકુળતા લક્ષણ વાળા દુઃખ માં સમાવેશ હોતા એમ કે વિતરાગ માર્ગ હે આ કઈ રાગ માર્ગ નહી સમજાય છે કઈ કઠણ લાગે એથી કઈ માર્ગ ફરી જાય માર્ગ જો એ અનાદિ સનાતન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહા ઓ માર્ગ હૈ ભરત મેં હો હિરવત મેં હો કે મહાવીરે મેં હો પંદર કર્મ ભૂમિ મેં તો ભગવાન કા માર્ગ તો વિતરાગ દ્રષ્ટિ સે ઉત્પન્ન હોતા એ દુઃખ જે હૈ दुख कोने किया पुण्य पाप का शुभ शुभ राग को दुख किया कोई प्रतिकूल को दुख नहीं किया प्रतिकूल संयोग दुख नहीं नारकी में प्रतिकूल जो ठंडी गर्मी की वेदना है वो दुख नहीं दुख तो जहाँ आनंद है उससे उल्टी अवस्था है उसका नाम दुख है तो उसी उल्टी अवस्था कहीं पर में नहीं रहती है दुख का अस्तित्व भी दुख का होना अस्तित्व भी जहाँ अना को आनंद है होना है अना को आनंद आत्मा सत्ता है त्या ही उससे विपरीत कर्म का पाप पुण्य पाप का भाव का अस्तित्व दुख है ये दुख नहीं आत्मा में दुख नहीं संयोग में दुख नहीं संयोग से दुख नहीं आनंद से अंतर का आनंद से दुख नहीं संयोग से विपरीत लक्षण वाला उत्पन्न विकार करते हैं वो दुख है।
समझ में आया जो पर से दुख हो तो पर तो अजीब आदमी है, जीव नहीं तेरा, तो अजीब से दुख हो तो अजीब से आश्रय हुआ ऐसा हुआ, और दुख आनंद से उत्पन्न हो तो आनंद में से उत्पन्न होता ही नहीं। बराबर समझ में आया बराबर। जो पर से उत्पन्न हो तो पर अजीब कर्म आदि पर वस्तु अजीब है, पर शरीर वाणी मत तो उससे उत्पन्न हो तो अजीब है, उत्पन्न उससे उत्पन्न जो उसमें आनंद है तो उससे मूर्ति दिशा उससे उत्पन्न हो। भगवान आत्मा अनाकुल लक्षण से विलक्षण जो दुख है उसकी पर्याय में उत्पन्न होता है। समझ में आया, मैंने वो पर्याय में ही आकुलता लक्षण अध्यवसान आदि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। गजब शैली से एक और न्याय भगवान, एक और दुखुक तत्व, एक और संयोगी तत्व, भिन्न इन तत्व भिन्न भिन्नता है। सात तत्व है ना, तो अजीव तत्व अजीव की पर्याय में अजीव तत्व समाते हैं, और न्याय तत्व आनंद तत्व का लक्षण से उसमें समाते हैं, बीच में कर्म का लक्षण से कर्म का लक्ष्य से उत्पन्न हुआ विकार दुख रूप तत्व में आश्रय तत्व में वो समाते हैं। बराबर, भावबन रूप में समाते, भावबन तो दुख रूप है, भगवान अमन स्वरूप की आत्मा है। बराबर, अनाकुल आनंद लक्षण कहो, अमन स्वभावी वस्तु कहो, अमन स्वभावी वस्तु में वो आकुलता का लक्षण आकुलता का भाव समावेश नहीं होता। आया भगवान आत्मा अनाकुल आनंद शांत रस का सागर आत्मा, उसको भगवान आत्मा कहते हैं। वो आत्मा में आज आकुलता उत्पन्न जी कर्म का लक्षण नहीं, इतने पाप हुआ पुण्य पाप का, क्या वो आत्मा में उसका समावेश होता है? आत्मा उसको कहते हैं, हम कहते हैं कि ना, ये दुख में समावेश होता है, दुख में ही, दुख में ही हम शब्द है, देखो। हाँ समझ में आया, किल्ला कुल लक्षण अदृशनादि भाव, दुख में ही आकुलता लक्षण अध्वसानादि भाव, अध्वसानादि आठ बोल किधर, आठ बोल कह अध्वसाय पुंपा भरोसो तीव्र मंद, ये आठ बोल कह सबे भाव समान हो जाता, इसलिए आ कारण आ कारण यद्यपि ये चेतन के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। देखो आ कारण है जोक है, यद्यपि इतने जोक है, जोक कहता है चैतन्य के भगवान आत्मा चैतन्य जो ज्ञानानंद स्वरूप, उसके साथ संबंध होने का किसको, उस शुभ शुभ राग जो दुख रूप है, जो दुख में समावेश होता है, वो आत्मा चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। बराबर, ये चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, भाषांजन है, ये भ्रम उत्पन्न करते हैं। इसने यद्यपि वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते, संबंध है नहीं नीचे, भगवान अनाकुल आनंद चैतन्य स्वरूप, उसका संबंध दुख रूप का भाव का संबंध है ही नहीं। समझ में आया, वो दुख रूप भाव का चैतन आनंद स्वभाव में अभाव है, अभाव है, पर भ्रम उत्पन्न करते हैं अनाकुल लक्षण से विपरीत उत्पन्न दुख हुआ, ये चैतन के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। यानी चैतन का है, चैतन का आनंद है, तो आनंद की सब दुख भी चैतन का है, सब भ्रम उत्पन्न होता है। समझ में आया,
चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, तथापि भ्रम उत्पन्न करते हैं। भगवान आत्मा अनाकुल आनंद स्वरूप, उसमें विलक्षण दुख, उसमें अद्वैतादि समावेश हुआ, वो चैतन्य के साथ संबंध धरावता भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो पर भी आत्म स्वभाव नहीं है, वो पुण्य पाप का विकल्प शुभ सुख का राग, वो आत्म स्वभाव नहीं है, किंतु पुद्गल स्वभाव है। ना छोड़ने की चीज है तो तेरी चीज नहीं, समझ में आया? ऐसा पुद्गल स्वभाव और चैतन्य स्वभाव का अंतर भेद ज्ञान करना, उसका नाम आत्मा ने अनात्मा की यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन कहते हैं। बराबर, पहले सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, समझ में आया? ऊपर से मान लो ठीक, आपने खबर न पड़े, पर क्या कहते हैं, खबर न पड़े क्या जिसको मूड है जीव, समझ में आया? ये कौन माथे अध्वसाय आदि आठ बोल जे कया पंचपाप राग भी तीव्र मन सुख दुख की कल्पना, ये आत्म स्वभाव नहीं है, ब्रह्म उत्पन्न करते हैं तो कौन है? कितनी पूछा है, किंतु पुद्गल स्वभाव है, भगवान स्वभाव नहीं तो पुद्गल स्वभाव एम का, चैतन्य का अनाकुल आनंद स्वभाव चैतन्य स्वभाव, अकुलता लक्षण वाला दुख से पुद्गल स्वभाव, दो गिनती है। बराबर, ये दुख आत्मा का है ऐसा मानना तो मिथ्या दृष्टि है। बराबर, एम कहते अनाकुल आनंद स्वभाव आत्मा का है ऐसे अनुभव करना उचानम समय दर्शन है। बाबा, जब कर्म उदय होता है, आता है कर्म का पाठ उदय, तब यह आत्मा दुख रूप में होता है। देखो दुख रूप में होता है, पाठवा है ना वो, अठव्यंपी कमंग सबंग पुगलमयंग जीणा बिंती, पिस्तौली है ना, अठव्यंपी कमंग सबंग पुगलमयंग जीणा बिंती, जब फलम तो दुचे ही दुखंती विपच मानस। हा हा हा, दुख ने हना को आनंद ना भेद ज्ञान की पद्धति नी रीत कहते हैं। बराबर, समझाणो आना, ये कर्म उदय आता है तब आत्मा दुख रूप प्रणमित होता है, तो दुख रूप ही प्रणमित होता है, और दुख रूप भाव है वह दुशान है, एक शब्द में क्यों सब आठ ही ले, दुख रूप भाव है वह दुशान आदि है, आठ बोला था ना, एक लो दुशा न ले, एक दुशा पहला बोला था ना, इसलिए नहीं कहा आठ से बोल ले लेना, इसलिए दुख रूप भाव में दुशान में चेतना का भ्रम उत्पन्न होता है, दुख रूप भाव में पुण्य पाप के भाव में चेतना का भ्रम उत्पन्न होता है, परमार्थ में दुख रूप भाव चेतन नहीं है, खरेखर भगवान परमार्थ दृष्टि भूतार दृष्टि सच्चा दृष्टि से देखो तो ये दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्म जन इसलिए जड़ ही है, लोरी नहीं, उद्गव स्वभाव जड़ है, अजीव है। હવે પ્રશ્ન આટલું બધું થયું ત્યારે હવે પ્રશ્ન કરીએ, પણ મહારાજ શાસ્ત્ર મેં તો પુણ્ય પાપ તો જીવ કો કહા હૈ, જીવ કા દિખે હૈ, અને તું ક્યાં એકાંત એકાંત હશે કહેતે હો, યદિ અસાદિ ભાવ એ પુદ્ગલ સ્વભાવ હૈ તો સર્વજ્ઞ કે આજ્ઞા મેં ઉને જીવ સ્વરૂપ ક્યોં કહા ગયા, राग द्वेष पुण्य पाप जीव में होता है, जीव में होता है, तुम के पुद्गल पुद्गल ऐसा किसका प्रश्न है, समझ में आया? महाराज, परमेश्वर ऐसा कहा, तुम ऐसे कहते हो परमेश्वर दुख रूप भाव आत्मा नहीं कहा,
उद्गल कहा वही ये परमेश्वर ने व्यवहार वाणी में आया है आज्ञ में कहा है पुण्य पाप भाव जीव की पर्याय में होता है कहीं रजकण में जड़ में नहीं होता जी समझ में आया ऐसा भगवान ने कहा है ना भाई आप पर्याय में है वो व्यवहार दिखाया है इतना जानने लायक है वस्तु का स्वरूप आदरणीय मैटी वो आदरणीय है पर जानने लायक ने निकाल दे के नहीं उसका नहीं उसका नहीं उसका नहीं पर्याय में उसका नहीं तो पर्याय की अस्तित्व सिद्ध नहीं होती समझ में आया जानने लायक है उसकी पर्याय में है जानने लायक आदरणीय लायक नहीं पर वो प्यार राग है उसको बताकर राग रहित तेरा चैतन्य ऐसा बताना है आया भाई राग है ने ये विकृत है वो है जानने लायक है वो व्यवहार देखा जाए हाँ राग रहित तेरी चैतन्य दशा बताने को राग ऐसा व्यवहार से कहा व्यवहार परमात्म को कहने वाला है बताते को भाई राग है वो तेरा स्वभाव नहीं एम के राग व्यवहार से दिखाया वे सर्वज्ञ के आगे उन्होंने जीव स्वरूप क्यों कहा है उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र जब एना उत्तर माता व्यवहार सदरीशन उवे सोवणी दो जिनवरी आया क्यों कह दू उपदेश दिया है व्यवहार सुदर्शन व्यवहार दिखाए उपदेश वर्ण जिनवरी जीवाए दे सवे अदुषाणादयो भावा व्यवहार की उसका ज्ञान कराया है भाई उसकी पर्याय में रस्थावर जीव का है सब बताया है रस्थावर जीव ऐसे बताते पर उस कैसे प्रकार कहे वो सस्थावर जीव नहीं जीव ज्ञान आनंद है ऐसे बताने को व्यवहार कहा है बिल्कुल नहीं है पर्याय में रागे नहीं है वितरागी पर्याय है तो एकांत हो जाए समझ में आया अने प्रस्थावरपणा की पर्याय में संबंध नहीं है निमित्त निमित्त संबंध ही नहीं है संबंध है जानने लायक है आदने लायक नहीं समझ में आया ओम के 47 गाथा के व्यवहार ये दिखला दिया जिन देव के उपदेश में ये सर्व अद्वर्षान आदि भाव को जो जीव कहे जहाँ जहाँ भगवान है इन्हें जीव कहे आई व्यवहार दिखायो व्यवहार जानना लायक है व्यवहार जानने लायक है व्यवहार आदरने लायक नहीं आदरने लायक व्यवहार से भिन्न जो आत्मा वो भी आदरने लायक वो मैं व्यवहार सिखा रहा है।